हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मज़े से होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह और सिवा को मैंने स्कूल छोड़ दिया है। उसके बाद फटाफट से खुद तैयार हुई हूँ और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ वापस से पुराने घर। अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मुझे डाउट है कहीं मेरे से बस ना छूट जाए। और भी आपको पूरी राम कहानी सुनाऊंगी। अभी फटाफट से चलती हूँ, कहीं बस ना छूट जाए क्योंकि मुझे बस में फाइनली अभी मैं उतर गई हूँ बस से और अभी हूँ अपने रोड पे। देखो, मुझे डाउट था कि कहीं मुझसे बस छूट ना जाए, तो बस वहाँ पे 2-4 मिनट वेट किया और फिर बस आ गई थी। तो पता क्या हुआ, मतलब अभी देखो वहाँ से भी बस आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जब अपनी चढ़ाई चढ़ूँगी तभी मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, जैसे गाड़ियाँ आ रही है और आपको भी बात का पता नहीं चलेगा, पीछे से भी शायद गाड़ी। तो सोचा तो मैंने ऐसा था कि ऊपर वाला रास्ता चढ़ूंगी, ये वाला, तब मैं व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पे फिर पंडित लोग आ गए थे तो मैंने बस थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये आटे के दिए बने हैं, ये भी पूजा में लगेंगे अभी। तो बहुत सुंदर बनाए थे उन्होंने आटे को, कलर करके, जैसे सिंदूर वगैरह हल्दी वगैरह डाल के इसमें। तो मैं पहुँच गई हूँ घर पे सॉरी, और घर पे पहुँची मुझे काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अभी ऊपर पंडित वगैरह पाठ करवा रहे हैं, मेरी 8 से 8 से पाठ रखा था वही हो रहा है। और यहाँ पे सामने ना मुझे एक ब्लैक वाला मंकी दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसे, तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी बाहर चल के। वो देखो वहाँ पे उस पलम के पेड़ पे है, वो देखो वहाँ पे। और जैकी खाना खाएगा, जैकी खाएगा खाना, खाना खाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, फुलार की तैयारी कर रही थी। ये आलू है दोनों में और ये काई है, मैंने भिगो के रखी है, और साथ में साबूदाना है जो फुलार के लिए अभी बनेगा। तो ये जो साबूदाना है ना, इसका हलवा बनेगा। हलवे में मतलब पूरे देसी घी में बन रहा है, वैसे हम खीर टाइप में बनाते हैं वैसे नहीं बनेगा, ये पूजा में लगेगा। तो बस मैं इसको मेवे वगैरह डाल के और प्योर देसी घी में मैंने बनाया है, शुद्ध देसी घी में। ओह माय गॉड, अभी मैं घर के लिए वापस हो रही हूँ। सुबह से मैं किचन में फंसी हूँ, लेकिन सुबह से मतलब अभी घर की तरफ जा रही थी और बस छूट गई मुझसे। शाम का भी टाइम बताऊँ 5:30 हो गए हैं और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया इधर, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। अभी क्या बताऊँ, अब बस चली गई है, अब जो पंडित जी हैं उनकी गाड़ी में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उनको टाइम लगेगा अभी भी। और पता नहीं अभी क्या करूँगी, वापस हो रही हूँ पानी के पास से, फिर से वापस हो रही हूँ ऊपर को घर में। अभी देखते हैं घंटा, एक घंटा बोल रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा अभी, तो वो शायद गाड़ी में मुझे छोड़ देंगे। तो बस तो भैया छूट गई, उसके बाद मैंने सोचा अब चपाती बनाती हूँ फटाफट से और पंडित जी की गाड़ी में ही चली जाऊँगी। तो मैं फटाफट से सब्जियाँ दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने बनाया है। मैंने बनाया है ये कढ़ाई पनीर, शिमला मिर्च और पनीर। एक्चुअली पनीर कुछ खास नहीं था तो ये मुझे लगा घुल गया है ये। और साथ में बनाई है भिंडी, और साथ में बनाए हैं मैंने यहाँ पर मीठा, ये कद्दू का मीठा, ये एक्चुअली मैंने नहीं, ये मम्मी जी ने बनाया है कद्दू का मीठा। और साथ में बनाए हैं आलू, और आलू दही वाले आलू हैं, मतलब आलू की कड़ी वो बनाई है। और ये रहा साबूदाना का हलवा, ये शाम का डिनर है, डिनर मैंने बनाया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हवन हो रहा था, हवन का काम मतलब अभी ख़त्म हो गया था, तो आरती वगैरह मम्मी जी पूरे घर में दी थी उनको घुमाने को, कि पूरे घर में घुमाना है आरती को, तो वही ये ले जा रहे हैं। देखो और वही मिट्टी के दिए, नहीं सॉरी आटे के दिए हैं ये जो उन्होंने बनाए। फाइनली देखिए मैं वापस पहुंच गई हूँ और मुझे पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ डिनर भी हो गया है यहाँ के। मैंने सिर्फ चपातियाँ बनाई, बाकी सब्जी मैं घर से लेके आई थी। तो वही भाई, अभी शिवा देखो सो रहा है, शिवा नींद आ गई बच्चे को, और सुधी भी वहाँ पे देखो सो गई, उसको नींद आ गई। एक्चुअली इनका होमवर्क था थोड़ा बहुत, वैसे इनके दादा ने करवा दिया था, वो मैंने थोड़ा बहुत करवाया। और आज मेरे से ब्लॉग फिर से एडिट नहीं हो पाया क्योंकि ये मंथ पूरा मेरा बिजी निकल गया, और मैं बता रही थी आपको उस टाइम मुझे टाइम नहीं लगा बताने में क्योंकि वो पंडित जी वगैरह भी चल रहे थे साथ में, तो मुझे ब्लॉग बनाना कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उस टाइम शूट नहीं किया।
क्योंकि वो भी बात करते हुए चल रहे थे जब हम ऊपर घर की तरफ चढ़े थे। तो हुआ क्या था कि कल शाम को जैसे पतिदेव बस में निकल गए थे ड्यूटी के लिए, तो आगे कोई ख़राब हो गई थी, मतलब गाड़ी ख़राब हुई थी या कुछ ऐसा बोल रहे थे, वो ख़राब हो गया था और वो बीच सड़क में फंसा हुआ था। तो उनको आज सुबह ड्यूटी पे हर हाल में पहुंचना था, मतलब ज़रूरी था आज पहुंचना। और फिर क्या हुआ कि वो जैसे रात को 9 बजे यहाँ से बस निकलती है, तो उस बस में वो निकल गए थे और सुबह के 6 बजे तक वो आधे रास्ते में भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वहाँ पे बस ख़राब हो गई थी, बस नहीं सॉरी हुई थी कोई गाड़ी ख़राब जो बीच सड़क पे ही थी। फिर वहाँ से गाड़ी क्रॉस करना, छोटी वाली गाड़ियाँ तो बोल रहे थे क्रॉस हो रही थी लेकिन बसें वगैरह क्रॉस नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर ड्राइवर ने पता नहीं क्या क्या किया, फिर तब जाके बस निकली गई सुबह। तो वो ड्यूटी पहुँचने का जरूरी था, तो दोपहर तक मुझे लगता है वो ड्यूटी पहुँचे थे, मुझे लगता नहीं है, दोपहर तक ड्यूटी पहुँचे थे। अभी मेरे को नींद आ रही, तो आज भी का दिन भी पूरा बिजी बिजी निकल गया। अभी ऐसी थकावट लग रही है, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। मेरा आज कोई सफाई वगैरह नहीं हुई है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, मतलब काम पेंडिंग था पूरा, ना कोई झाड़ू हुआ है ना कोई पोछा हुआ है। और आज जैसे सुबह सुबह निकल गई थी तो उस वजह से फिर सारे काम छूट गए थे। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंडिंग कर रही हूँ। बस ये है कि काम हो गया, पाठ वगैरह सब कुछ, पूजा अच्छे से हो गई। और इतने दिनों से मैं आपके साथ पूजा ही शेयर कर रही हूँ, जो भी है पूजा वाले ब्लॉग बन रहे हैं, चाहे वो मायके के हो चाहे इधर ससुराल के हो, टेंपल विजिट हो। तो आज फिर मैंने ज़्यादा पूजा वाला आपके साथ शेयर नहीं किया। बाकी सच्ची बात बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी एक मिनट की भी फुर्सत नहीं थी कि मैं, अगर हाँ सुबह भी मेरे साथ होती तो मैं उसके पास फ़ोन देती, थोड़ा बहुत वो शूट कर लेती है। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।